We'll start. Hello students, I will start the sixth chapter of civics and the name of the chapter is judiciary. Judiciary क्या होता है? जो law से related होता है, ठीक है? Court से related होते हैं, उनको हम कहते हैं judiciary. तो हम law से related, court से related क्या है? इसमें हम अब study करते हैं. In the previous chapters we have studied the legislative and executive organs of the government. हमने पीछे इनको पढ़ा है, लेजिस्लेटिव क्या होती है और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या होती है. नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशरी. ये जो फर्स्ट था, हमने ये फर्स्ट ऑर्गन था गवर्नमेंट का, ये सेकंड ऑर्गन था और अब ये जो हम स्टडी करेंगे है थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. इन आवर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. हमारे कंट्री में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मीन कि उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है. दिस मीन्स दैट इट इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. वी नो दैट इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ, दैट इज द लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन. मीन कि जो लॉ है वो सभी के लिए क्या है, यहाँ पे इक्वली है. एंड अ सर्टन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स आर फॉलोड इफ अ लॉ इज वायलेटेड. अगर कोई कानून की उल्लंघना करता है तो सभी के लिए एक फिक्स्ड लॉ है जो उनके अगेंस्ट चलता है. इट इज अ जुडिशियरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच इन केस ऑफ वायलेटिंग ऑफ एनी लॉ. एंड इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड जुडिशियरी इज द पाइवट ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है. सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी. इंडियन जुडिशियरी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम और द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल इज अ पिरामिड. ठीक है, लोएस्ट लेवल आपने सुना होगा कि कोर्ट जो होती है ना, आपने इसका पता होगा आपको कोर्ट के बारे में. तो कोर्ट में एक लोएस्ट कोर्ट भी होती है और हाईएस्ट कोर्ट भी होती है. इस बीच के बीच बीच में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं वो भी हम अभी स्टडी करते हैं. देखो ये क्या है, एक पिरामिड. ये पिरामिड होता है, जैसे जो बन जाता है इसको हम कहते हैं पिरामिड. तो पिरामिड में देखिए, सबसे पहले जो डाउन पे जो कोर्ट्स है वो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अलाहाबाद कोर्ट है, ओके, हजारी कोर्ट दिल्ली है, देन कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, देन पहले देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे कोर्ट आगे, देन यहाँ पे हाई कोर्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया, देन चेन्नई हाई कोर्ट. फिर इन सब के ऊपर एक सबसे जो बड़ी कोर्ट होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, है ना. इसका नेम आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन अ कंट्री. तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जब सभी कोर्ट से फैसला किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो बाद में जो लास्ट में फैसला लिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट से. इट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस. इसमें कौन कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस होते हैं और इसमें 30 अदर जजेस भी इसमें होते हैं. द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ इट्स जजेस. जो पार्लियामेंट है वो इन जजेस की जो नंबर है उनको कम या ज़्यादा कर सकता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का, वो सबसे जो चीफ जस्टिस है या इंडिया का उनको अपॉइंट करता है. एंड ऑल अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट. ही ऑल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स. वो हाई कोर्ट के जजेस जितने भी यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, जितने यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. हाउएवर इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ही हैज टू कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब मतलब बाकी जजेस को अपॉइंट करते समय उनको किससे पूछना होता है, कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. क्लियर, ओके. अब इसमें ये देखते हैं, यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है. अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो कितना पढ़ा लिखा होता है. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. पहले तो नंबर वन पे है कि पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए. ही शुड हैव एक्टेड एज अ जज ऑफ द सेम स्टेट हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स. ये जितनी भी यहाँ से नीचे जितनी भी कोर्ट है, इन कोर्ट में सबसे पहले उसको 5 ईयर्स तक उसने जॉब की हो, यहाँ पे उसने जजेस के तौर पे
और ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई स्टेट हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, या फिर हाई कोर्ट में वो एज अ एडवोकेट मीन कि वो वकील के तौर पर 10 ईयर्स तक वो होना चाहिए, और ही शुड बी एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन द स्फीयर ऑफ लॉ इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर मीन कि प्रेसिडेंट की नज़र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर्स एट द एज ऑफ 65. 65 की एज में इनकी रिटायरमेंट होती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव हिम इफ ही इज वंस अपॉइंटेड, अगर एक बार वो अपॉइंट हो जाता है तो उसको बार बार रिमूव नहीं किया जा सकता. अब उसके जॉब के बारे में देखते हैं कि हिज टर्म ऑफ सर्विस कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड और कैन नॉट और नॉर कैन ही सैलरी बी रिड्यूस्ड. उसकी जो सर्विस है उसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना इसकी सैलरी जितने को मिलती है मंथली उसको कम किया जा सकता है. द प्रेजिडेंट कैन रिमूव अ जज ओनली ऑन सर्टन ग्राउंड्स ऑफ मेंटल इन्फॉर्मिटी और मिसबिहेवियर. अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को उस जज को उस सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करना है तो तभी कर सकता है अगर उसका दिमागी संतुलन या उसका बिहेवियर अच्छा ना हो. बट फॉर दैट पर्पस द इंडियन पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी. बट इसके लिए भी लोगों का रेजोल्यूशन होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए कि ये जो इनकी जज है इसकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया of our country, no judge has so far been removed. जब से ये इंडिपेंडेंस हुई है, आज़ादी हुई है भारत की, आज दिन तक कोई भी जज ऐसे रिमूव नहीं किया गया है. Thus the judges of the Supreme Court enjoy full security of service because 2/3 majority of the parliament cannot be easily available. The जजेस आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मीन कि जाकर रिटायर हो जाते हैं फिर वो अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर सकते हैं. द पार्लियामेंट कैन नॉट पुट देयर सैलरीज टू वोट एट ऑल. द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जज आर मेंट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द कंट्री. वो क्यों होता है कि वो कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जो है उसको मीन कि क्रिएट करना चाहते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. The Indian Supreme Court has original and appellate jurisdiction. Original है, original jurisdiction gives its power to hear cases for the first time. बल्कि कोई भी केस होता है उसको पावर देती है सुनने के लिए. Thus all the disputes that arises between the central government and any other state government are decided by the Supreme Court. बल्कि कोई भी झगड़ा होता है, dispute होता है, झगड़े वो मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो डिसाइड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. हाउएवर इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मान लीजिए कोई फंडामेंटल हमारे जो राइट्स हैं उसकी उल्लंघना की गई है, द सुप्रीम कोर्ट में टेक अप द केसेस एज सच. जस्टिस इज इजीली अवेलेबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाइस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ आर कंट्री. तो जस्टिस कहाँ पे होती है उसकी, सुप्रीम कोर्ट में. द सुप्रीम कोर्ट गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन, और सुप्रीम कोर्ट ही गारंटी देता है कि जो सभी सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स है वो मिलने चाहिए. नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स अपील्स अगेंस्ट ऑल द हाई स्टेट हाई कोर्ट्स. दस द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट दैट डिसाइड्स अपील. अब याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये फाइनल कोर्ट होती है जहाँ पे अपील को सुना जाता है, डिसाइड किया जाता है. सभी कोर्ट से जितनी भी कोर्ट्स हैं अगर वहाँ पे कोई केस चलता है, जैसे ये कोर्ट्स हैं यहाँ पे कोई भी केस चलता है तो लास्ट में जो केस है अगर यहाँ पे सुनवाई अच्छे से नहीं हुई है तो जिन्होंने केस किया है वो संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ पे जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. अब इसका रिकॉर्ड देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्स ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द केसेस. वो मेंटेन करता है जितने भी पुराने केसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है. ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्यूली रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड. कि जितने भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो रिकॉर्ड होती हैं, वो प्रिंटेड होती हैं, ऐसे ही ऑरली नहीं होती हैं. द लोअर कोर्ट्स ट्रीट दीज जजमेंट्स एज लॉज. अब लोअर कोर्ट्स मिलकर जो जितनी भी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट से आती हैं उनको एज ए कानून की तरह से वो मानता है. दस इन इंडिया देयर इज वन यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइस्ट कोर्ट इन द कंट्री. ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. उनके सुप्रीम कोर्ट वो क्या था, क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है और बाकी उनके सबॉर्डिनेट मिलकर उनके साथ की कोर्ट्स हैं. एंड दे हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया.
और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना दिए होते हैं वो बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं उनको उसको ओबे करना होता है. क्लियर? इन ऑर्डर एंड डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री. इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द हाई कोर्ट्स, अब हम पहले हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, अब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं. इंडिया हैज 28 स्टेट्स, यहाँ पे लिखा 28, अभी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 28 एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, बट देयर कैन बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. मीनकि दो तीन स्टेट के लिए एक ही मीनकि कोर्ट होती है. कंपोजिशन जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए कहाँ पे, से पंजाब और हरियाणा की कहाँ पे, चंडीगढ़ में. तो यहाँ पे दिया है कि हाई कोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़ में है. तो कंपोजिशन इसमें क्या है कि हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस. एक तो चीफ जस्टिस होता है वहां पे, ठीक है, और वहां पे जो दूसरे जजेस होते हैं वो भी होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द नंबर ऑफ जजेस फॉर अ हाई कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फिक्स नहीं किया है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए. इट इज द प्रेसिडेंट हु हैज टू डिटरमाइन देयर एक्चुअल नंबर. एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री. अभी हमारे कहाँ कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 24 हाई कोर्ट्स हैं. द नंबर ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ये नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट्स होते हैं किस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस स्टेट की पॉपुलेशन, उसका साइज कितना है. इफ देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स ओनली वन हाई कोर्ट डिस्चार्जेस दिस फंक्शंस फॉर ऑल फॉर देम. ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जितने भी जजेस हैं मिनकि वो हाई कोर्ट के, वो भी किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं. बट फॉर दिस ही हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब मिनकि इन सब के लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस जो है उनके साथ. द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, या मिनकि चीफ जस्टिस और वहाँ के गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उनसे कंसल्ट करना होता है. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन जो है इनकी हाई कोर्ट के जज की क्या होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. नंबर वन पे ये आ गया. नंबर टू पे हमारे पास जो पॉइंट हम इसको पॉइंट में बनाते हैं तो ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर. मीन या तो जुडिशियल कोर्ट में होना चाहिए 10 ईयर्स तक, या फिर वो एज अ वकील कहीं भी कोर्ट में वो 10 ईयर्स तक उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. गवर्नमेंट ही मस्ट बी अ मैन ऑफ ऑनेस्ट व्यूज. तो उसके मीन की वो कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए. अब इसमें देखते हैं कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट क्या है. हाई कोर्ट हैज 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन. द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नंबर वन पे ये है, लाइज विद रिस्पेक्ट टू रेवन्यू इलेक्शंस एंड रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. मीन की हाई कोर्ट में कैसे कौन कौन सी जो कोर्ट का वो काम करती है. तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी, इसमें क्या क्या आता है? कोई भी टैक्सेस होते हैं, इलेक्शन से रिगार्डिंग, या रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, मन की अगर फंडामेंटल सिटीजन उनके रिगार्डिंग जो बात होगी वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जाएगी. फिर उसके बाद है हाई कोर्ट, ये नंबर टू पे है. हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑल केसेस ऑफ द लोअर कोर्ट्स इन द कंसर्न और द स्टेट. और उसके बाद में इनकी जितने भी लोअर केसेस होते हैं, लोअर कोर्ट के केसेस, उनको भी इनकी हाई कोर्ट में सुना जाता है. अ हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट इन द स्टेट. इनकी अगर सेशन कोर्ट स्टेट के सेशन कोर्ट में कोई भी डिसीजन होता है उसको भी ज्यूरिडिक्शन करती है. आगे रिवर्सरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट परटेन्स ऑफ द विथड्रॉल ऑफ अ केस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट कोर्ट इफ देयर इज सम कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट इन्वॉल्वड इन इट. इट कैन टेक अप The case in question. Okay, अब कोर्ट का रिकॉर्ड क्या होता है? ईच हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. मीनकि उनके पास भी रिकॉर्ड होते हैं. इट जजमेंट्स आर रेफर्ड टू ऑल बाय द लोअर कोर्ट्स जस्ट लाइक लॉज. अ हाई कोर्ट सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स इन द स्टेट एज वेल. मीनकि जो हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट के, उनकी स्टेट्स की जो है. उसके बाद है कि ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. हमें पता है कि हमारे स्टेट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, जिन डिस्ट्रिक्ट हो गया. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट मेनी काइंड्स ऑफ कोर्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में कई कोर्ट्स होते हैं.
विच डिसाइड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनको उनके ऊपर उनकी केसेस को सुनते हैं. इन ईच डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट कोर्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज. उनमें क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं. ही कैन हियर सिविल सूट्स एंड द अपील अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स. अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड इफ द क्वान्टिटी ऑफ वर्क इज हैवियर. मीन की अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत से केसेज आ जाते हैं, तो वहाँ पे जजेस को और भी नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. एंड वन कोर्ट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोऑप विद इट. मीन की क्योंकि एक कोर्ट में मुश्किल हो जाती है उनको देखना. तो यहाँ पे द हाइस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ट्राइंग क्रिमिनल केसेज इज दैट ऑफ द सेशन जज. अब इसमें सेशन जज हैं. द क्रिमिनल केसेज कैन ऑल्सो बी हर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. जो क्रिमिनल केसेज हैं उनको मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भी सुनते हैं. इफ देयर जजमेंट डू नॉट फेवर द पार्टी. मान लीजिए कि मैजिस्ट्रेट ने कोई भी जजमेंट दिया, वो मन की पार्टी जिन्होंने केस किया उनको अच्छी नहीं लगी है, ही मे फाइल एंड अपील द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं. एंड इफ लेटर ऑल्सो फेल्स टू सेटिस्फाई द पार्टी. अगर वो मन की वहाँ पे भी उनको उनका केस उनके फेवर में नहीं होता है तो वो अपील कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर कोर्ट्स ऑफ सब जजेस. मीन की इसके अलावा सब जजेस होते हैं. देयर ट्राई सिविल केसेस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी. वो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी के मीन की रिलेटेड केसेस होते हैं उनको देखते हैं. देयर आर स्मॉल कॉज कोर्ट्स इन बिग टाउन्स दैट डिसाइड कॉजेस अप टू अ सर्टेन नॉमिनल अमाउंट दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. देयर आर विलेज कोर्ट्स दैट डिसाइड केसेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. एक विलेज कोर्ट होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, कितनी चल अचल संपत्ति जो होती है, जमीन जायदाद, उसके ऊपर कोई भी झगड़ा होता है तो वो इनकी उनको सॉर्ट आउट करती है. तो यहाँ तक हमने किया, इसका एक पार्ट हमने फिनिश किया. अब हम जो नेक्स्ट में करेंगे वो हमारा होगा लोक अदालत से. ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. इतना जो हमने किया आप इसको रीड करोगे क्लियर, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. अब इसके सेकेंड वीडियो में हम इसको आगे देखते हैं.